अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ होम बटन के मल्टी फंक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन देख रहे होंगे, आपके नीचे एक छोटा सा ग्रीन कलर का एक यहाँ पे पॉपअप सा हो रहा होगा, ये सर्च बार के नीचे, तो होम बटन के ऊपर। तो ये देख सकते हैं, मैं जैसे इस पर वन बार प्रेस करता हूँ तो मेरा फाइल मैनेजर ओपन हो रहा है, और अगर मैं डबल बार प्रेस करता हूँ तो मेरा यूट्यूब ओपन हो रहा है। अगर मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ, अब आप क्या कीजिएगा, मेरा ब्राउजर ओपन हो रहा है। ये कैसे हो रहा है तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और नीचे कमेंट में अपना फीडबैक देना पड़ेगा। वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि मैं तीसरा एक ऐसी एप्लीकेशन भी इसके साथ एक बताने वाला हूँ, उसका आपको फायदा ये हो जाएगा। आप गूगल क्रोम और जो है ओपेरा यूसी, आप तीनों को डिलीट कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका आपको फायदा ये होगा कि इसमें आपको वीपीएन मिल जाता है, और ये सिर्फ हाफ एमबी का भी नहीं है, मतलब कि 500-600 केबी का है। जी हाँ दोस्तों, आप वो 100-200 एमबी की जो एप्लीकेशन करते हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, स्टोरेज आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इस ब्राउजर से आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हम चलते हैं मल्टी फंक्शन के बारे में। दोनों एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। सबसे पहले हम चलते हैं मल्टी एक्शन के बारे में। सबसे पहले एप्लीकेशन हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये वाली इस तरह की एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी, सेंटर ऑन ऊपर से ऑन कर देना है, उसके बाद एक्शन ऑन क्लिक देख सकते हैं। एक्शन ऑन क्लिक पे आप क्या करना चाहते हैं, होम लेकर आना चाहते हैं, रिसेंट एप्लीकेशन, पुल डाउन नोटिफिकेशन, डिवाइस सेटिंग, सिलेक्टेड एप्लीकेशन। हम सिलेक्टेड एप्लीकेशन पे क्लिक करके ओके कर देंगे। मैंने यहाँ पे फाइल मैनेजर ओपन किया हुआ है, हम यहाँ पे कोई भी चीज ओपन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं कैमरा ओपन कर दूंगा या फिर कोई और एप्लीकेशन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नीचे चला जाता हूँ, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, व्हाट्सएप है, वेदर है, ट्विटर है, टॉर्च चैट, या मैं टॉर्च भी ओपन कर सकता हूँ। उसके बाद जो जो यहाँ पे चीजें हैं वो मैं ओपन कर सकूँ, जैसे मैं टॉर्च के बटन में क्लिक करूंगा तो ये मेरी टॉर्च ओपन हो जाएगी, ठीक है। वो सेकंड पे मैंने YouTube सिलेक्ट किया हुआ है, तीसरे पे मैंने एक ब्राउजर सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इस पे काम करो, उसके बाद आ जाए बटन इनविजिबल, यहाँ पे क्लिक करेंगे जो नीचे बटन आ रहा है वो इनविजिबल हो जाएगा। अगर इसको ओपन करते हैं बटन चल रहा होगा, बटन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये वाला कलर करूंगा ये वाला कलर आ जाएगा। उसके बटन की विड्थ और हाइट भी आप कर सकते हैं, देखिए विड्थ काफी ज्यादा बढ़ गई है। उसके बाद बटन हाइट भी आप इसकी बढ़ा सकते हैं, अगर हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं। तो सिंपल मैं वन क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे चेक कीजिएगा क्या होता है, ये मेरा टॉर्च ओपन हो गया, ये देख सकते हैं इस तरह का ये टॉर्च ओपन हो चुका है, ये मैंने एप्लीकेशन की थी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें डबल क्लिक करेंगे तो यूट्यूब ओपन हो जाएगी, अगर मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ ये वाला ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ये वाला ब्राउजर है जिसका आप सिंपल आपने इसको ओपन करें, इसका नाम है डॉल्फिन। तो यहाँ पे सिंपल सर्च के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ फेसबुक, ठीक है। यहाँ पे फेसबुक सर्च करता हूँ तो ये बड़ी आसानी के साथ बड़ी जल्दी इसको ओपन कर देंगे, देख सकते हैं फेसबुक को ओपन कर दिया, और ये बहुत फास्टेस्ट भी है, और यहाँ पे आप वीपीएन भी ऑन कर सकते हैं इसका, इसकी सेटिंग में जाएं और इसका वीपीएन भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप मेरी ये वाली वीडियो देखना चाहते हैं, जो कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी मेडिकल चार्ज के बारे में, मेरे चैनल पर आए हैं, और ये वाली वीडियो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये वाला भी आप कर सकते हो। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन मैंने ऑलवेज ऑन एच के बारे में बताई थी, अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज तो एक मोबाइल लाइट ओपन करेगा, तो वो भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो दोनों के लिंक यहां पे आपको मिल जाएंगे, तो यहां से क्लिक करके आप आराम से ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।